सच के साथ। वाराणसी की रानिका जायसवाल को भारतीय महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य ने प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया है। रानिका भाजपा में महिला मोर्चा की काशी क्षेत्र की मंत्री रही है। आदिवासी बच्चों के पुनरुत्थान के लिए नौगढ़ में महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान के आदिवासी बच्चों के उत्थान शिक्षा के लिए उन्होंने काफी काम किया है और अनवरत काम कर रही है। प्रत्येक साल 2 आदिवासी बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई सहित सारा खर्च वहन कर उज्जवल भविष्य की कामना में निरंतर प्रयास जारी है। वहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कोर कमेटी के सदस्य होने के साथ साथ वनवासी कल्याण आश्रम तरना शिवपुर की उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए निरंतर कार्य किया है। वाराणसी के जैतपुरा संवासिनी गृह में भी काफी सहयोग सेवा का कार्य किया है। भाजपा महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष चुने जाने पर उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी ने अब तक महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया है। आज महिला पहले से ज्यादा सेफ व सेल्फ डिफेंस है। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मेरा क्या रोल रहेगा। संगठन जो दायित्व देगा उसको मैं निर्वहन करूंगी। जी, मुझे प्रभार दिया गया था। नुक्कड़, बहुत सारी नुक्कड़ सभाएं थी, घर घर जनसंपर्क था, ये सारी चीज़ों को मैंने किया और मैं प्रभारी भी हूँ चंदौली की महिला मोर्चा की तरफ से। तो चुनाव में आप जाके बेसिकली डोर टू डोर कन्विंसिंग होता है और अपनी पार्टी की प्राथमिकताएं हम बताते हैं, अपनी उपलब्धियां जो हमारी रही हैं इतने सालों की 2014 से लेकर अब तक को, उसका प्रचार और प्रसार। क्योंकि हमारे सरकार ने जितना काम किया अब तक, मैं देखती हूँ जो मेरे संज्ञान में किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया और इतना जो आप बृहद रूप में देख रहे चीज़ें हुई हैं वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महंगाई बढ़ रही है, उसके नहीं मतलब तो तनख्वाह भी तो बढ़ी है लोगों की। नहीं, सब तो तनख्वाह वाले नहीं ना, नहीं जो भी चीज़ है, देखिए आवक बढ़ा है तब महंगाई बढ़ती है। आम जनता तो उसमें पीट रही है ना, जो तनख्वाह वाले नहीं है, जो गरीब वाले नहीं है। मैं वही तो कह रही हूँ, व्यवसाय है तो व्यवसाय में भी चीज़ें बढ़ी ही हैं। अगर वो महंगी हुई है तभी तो महंगा बेच रहे, महंगा जो खरीदे तो उसमें उनका जो इनकम होगा वो बीच का मार्जिन वो बढ़ा के ही दे रहे होंगे। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अपनी सक्रिय सदस्य भी हैं जी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो प्रदेश में अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई हैं। और आप एक महिला होने के नाते किस तरह से इसको देखती हैं? क्या मैं ये कहूँगी जो आपके क्वेश्चन से मैं संतुष्ट नहीं हूँ या मैं इसका खंडन करूँगी। खंडन इसलिए करूँगी कि जो चीज़ें चल रही थी आप खुद देखिए, उसमें इतना रेशियो कम हो गया, जो 100 में 80% था अब सिर्फ शायद 5 या 10% पड़ा है, बड़ा बचा हुआ। सच के साथ।